दर्शक, बड़ी खबर, पटना में चिराग ने सभी विरोधियों पर बोला हमला। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, चाचा पारस सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर चिराग पासवान ने हमला बोला है। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का भी जिक्र किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान ने सरकार के सामने 5 प्रस्ताव रखा है। अंबेडकर जयंती के बहाने चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना में चिराग ने सभी विरोधियों पर हमला बोला है। और चाचा पारस सीएम नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का भी जिक्र किया है। चिराग पासवान ने सरकार के सामने 5 प्रस्ताव भी रखे हैं। भाई मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो हमारे नेता के रहते रहते भी उन्हें अपमानित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपने प्रदेश की जनता का नहीं, जो खुद अपने प्रदेश में विभाजन करता हो, वो मुख्यमंत्री कभी हम लोगों का अपना होगा क्या? चिंतन करने की जरूरत है तमाम उन लोगों को जो हमारे वोट बैंक की वजह से, हमारे नेता आदरणीय रामदास पासवान जी की वजह से आज सरकार में बैठे। ये लोग सोचते थे कि भैया चिराग के और परिवार से ही अलग कर दो तो अकेला हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिस दिन आपने चिराग को 2 लोगों से अलग किया परिवार के, उस दिन 12 करोड़ लोग चिराग पासवान का परिवार बनने वाले हैं। और अब आखिर में मुझे एक घर से निकाल कर, क्या आपने तो मुझे एक घर से निकाला ना, 12 करोड़ दिलों में से निकाल के दिखाओ तो मैं मानू। तो ये प्रस्ताव रखूं आप लोग के सामने, 5 प्रस्ताव है जिसमें से पहला प्रस्ताव पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 5 दशक से ज्यादा अपना जीवन समाज के गरीब शोषित एवं वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री के तौर पर अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए जनहित में कई अहम फैसले लेने का काम किया। प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं अंबेडकर जयंती के बहाने बीजेपी सीएम नीतीश कुमार और अपनी चाचा पशुपति पारस पर भी हमला बोला है।